दमन में कला उत्सव अंतर्गत हुई यूटी स्तरीय प्रतियोगिताएं, विजेता छात्र राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में करेंगे शिरकत। दमन के स्वामी विवेकानंद सभागार में कला उत्सव अंतर्गत यूटी स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। दमन के शिक्षा निदेशालय की राष्ट्रीय माध्यमिक सर्व शिक्षा अभियान सोसाइटी द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में जिला स्तर पर विजेता रहे छात्रों ने शिरकत की। सभी छात्रों ने नृत्य, गीत, थिएटर एवं विजुअल आर्ट्स में अपनी प्रतिभा दिखाई। यूटी स्तर पर विजेता बनने वाले छात्रों को 8 से 12 दिसंबर तक दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में शिरकत करने का अवसर प्राप्त होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विषय पर इन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में शिक्षा सचिव एलआर गर्ग, सहायक शिक्षा निदेशक मणिलाल पटेल, सहायक शिक्षा निदेशक प्राथमिक विभाग जीवन भाई पटेल, बाल भवन निदेशिका श्रुति पालीवाल समेत के अन्य उपस्थित रहे। कर देता है, हमें अपने मन कमल सर से अनुरोध करूंगी कि हमारे अतिथियों का स्वागत और इसके बाद दमन में भी मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी की फर्स्ट पहल है। पूरे देश में ऐसे ब्लॉक लेवल से विलेज ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल पे फंक्शन हो रहे हैं। 4 है इसमें, सिंगिंग है, डांस है, थिएटर है और परफॉर्मिंग आर्ट्स है, पेंटिंग, स्कल्पचर वगैरह। तो जो भी हर एक स्टेट से एक एक टीम जाएगी चारों फील्ड में और इसका फिर 8 दिसंबर से 12 दिसंबर तक नेशनल लेवल पे कंपटीशन होगा नेशनल बाल भवन दिल्ली में। वो जो भी टीम फर्स्ट आएगी उसको हर एक फील्ड में 5 लाख का फर्स्ट विनर को, सेकंड विनर को 3 लाख का और थर्ड विनर को 2 लाख का इनाम दिया जाएगा। इनका थीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेसिकली तो ये पहले से भी स्कूलों में चलता रहे पर ये एक सिस्टमटाइज्ड पार्ट ऑफ द एजुकेशन होने जा रहा है क्योंकि हरेक को कहीं ना कहीं कंपलसरी हरेक स्कूल को इसमें पार्टिसिपेट करना ही है। मैं समझता हूँ बहुत अच्छी पहल है और जो अपने प्रतिभा है पढ़ाई के साथ साथ निखरनी चाहिए। हाँ वो तो इन्होंने अच्छा आप देख ही रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं बच्चे, ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो स्कूलों ने, मास्टर्स ने, जो भी इनने गुरुज हैं, अच्छा इन तैयारी कराई है दमन की भी, दीव की भी। और ये हम चाहेंगे भी इनको फिर दमन जो दीव फेस्टिवल हो रहा है 1 दिसंबर से 12-15 फरवरी तक, उसमें भी इनको मौका मिलेगा परफॉर्म करने का। वो तो अभी आपने देखा ट्रॉफी रखी है, अभी जो अभी स्टेट लेवल पे आएंगे उनको भी दे रहे हैं, जो फाइनल बाद में आएंगे वो तो उनको भी अलग से सम्मानित किया जाएगा।